आप देख रहे हैं दखल न्यूज। राजनीतिक पार्टियां मतगणना का इंतजार कर रही हैं। वहीं बुंदेलखंड के छतरपुर जिले के छोटे से गांव सराय के किसान इस सबसे दूर अपने हर गम को भुलाकर क्रिकेट के रंग में रंगे हुए हैं। क्रिकेट भी ऐसा कि जो भी वहां से निकले बस वहीं थम जाए। पहाड़ी वादियों के बीच कहीं झाड़ झंकार तो कहीं जमीन पर बैठे दर्शक। बुंदेलखंड में एक तरफ जहां किसान परेशान हैं, वहीं सराय गांव के किसान अपने आप को अलग ही ढंग से ढाल रखा है और इसके चलते वो अपनी परेशानियों को हर गम को भुलाने के लिए क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन करते हैं। इस आयोजन में आसपास के गांवों और छोटे कस्बों की टीमों को निमंत्रित किया जाता है और फिर शुरू होता है बुंदेली क्रिकेट। इतना ही नहीं, इस बुंदेली क्रिकेट में चीयर लीडर्स की तर्ज पर डांस का तड़का भी होता है। ग्रामीण किसानों की माने तो इस आयोजन का एकमात्र उद्देश्य गांव के और आसपास के गांव के किसान भाइयों को बंजर पहाड़ी खेती और सूखे की मार के गम से दूर कर उन्हें एक स्वस्थ मनोरंजन देना है। छोटा सा गांव है, सराय है। हर वर्ष इसी तरह ग्रामीण लोग, किसान लोग परेशान हैं पानी से और सूखा से, तो अपना छोटे छोटे बच्चों का मन बहलाने के लिए हर वर्ष किया करते हैं और इस साथ बूढ़े बुजुर्गों का इसी तरीके से गम मिटे, इसलिए टूर्नामेंट हर वर्ष इसी बात करवाते हैं। चुनाव से हमें कोई मतलब नहीं है क्या? यहाँ सूखा पड़ा हुआ किसान लोग हैं और किसान का दर्द, उसके लिए हम टूर्नामेंट रखते हैं कि इकट्ठा होने के लिए उत्साह करते हैं। और हमें चुनाव से कोई जीते हारे हमें इससे कोई लेना देना नहीं है। और ये सूखी पिच डली हुई है कि जमीन डली हुई, इसी में हम अपने पिच बना के और साल ही हम टूर्नामेंट कराते हैं। बंजर पड़े खेतों का मैदान, कहीं पेड़ पर बंधे लाउड स्पीकर तो कहीं धूल में बैठे दर्शक। बेशक आपने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट देखा होगा, लेकिन इस गांव के अनोखे क्रिकेट का आनंद ही कुछ और है। मैदान ऐसा कि कहीं उसमें पेड़ लगे हैं तो एक और मुख्य सड़क पर बाउंड्री लाइन, अब जो भी इस मार्ग से निकलता बस यहीं थमकर क्रिकेट और डांस का लुत्फ उठाता है। जैसे ही मैच में कोई रोमांचक लम्हा आता है बस फिर क्या, म्यूजिशियन डीजे पर गाना बजाता है और शुरू हो जाता है चीयर लीडर्स की तर्ज पर हिंदी फिल्मी गानों का डांस। एक हमारा छोटा सा गांव है और सभी गांव वालों के सहयोग से हर वर्ष टूर्नामेंट करवाया जाता है और काफ़ी सूखे की वजह से फिर भी पूरा गांव सहयोग देता है और हम टूर्नामेंट करवाते हैं। तो पूरा गांव किसान से देता है? हाँ, पूरा किसान गांव है और पूरे सहयोग करते हैं पूरा गांव। ये भैया हमारा किसान क्षेत्र ही है ये, और हर साल से आज कम से कम नहीं तो दो चार पाँच साल हो गए सूखा ही पड़ता रहा, और हम लोग आपस में चंदा करके ये बच्चों की प्रसन्नता के लिए और किसान लोगों का गम भुलाने के लिए ये कार्य हम हर वर्ष करते हैं। और वो इसलिए करते हैं कि ये सारे गम भूल जाएं हम किसान लोगों, इसका मनोरंजन लें। और बाहरी कोई मदद नहीं मिलती है यहाँ, ना कोई विधायक और ना कोई सांसद, हम ही लोग किसान ही लोग चंदा करके और ये सारा कार्यक्रम हर वर्ष करते हैं। चुनावी आपाधापी से दूर इन ग्रामीणों के इस आयोजन को क्रिकेट के प्रति इनका जुनून माना जा सकता है। वहीं प्रकृति की मार से लगातार टूटते किसानों को इन ग्रामीण किसानों द्वारा स्वस्थ मनोरंजन देने की ये कोशिश वाकई लाजवाब है। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।